हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू बुटीक फैशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रैप प्लाजो, जो आजकल वायरल है, ट्रेंड है। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखने वाले हैं। मैं इसको आपको बहुत सिंपल मेथड से बताने वाली हूँ। इसमें आपको दो मेजरमेंट की जरूरत है, एक आपको लंबाई की जरूरत होगी और एक आपको क्रॉच एरिया के लिए मतलब कमर की जरूरत होगी। तो ये दो नाप से ही हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये फैब्रिक लिया है। आपको इसमें 2 मीटर फैब्रिक की जरूरत है। आप चाहे तो इसमें 2.25 ले सकते हो, नहीं तो ये 2 में भी बन जाता है। तो देखिए, मैंने इस कपड़े को लेंथ वाइज ओपन किया है और इसको लंबाई में मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको भी डबल फोल्ड अपने फैब्रिक को कर लेना है। इसके बाद जो कपड़े की चौड़ाई है उसमें आपको इसको 4 फोल्ड करना है। तो लंबाई में आपको डबल फोल्ड करना है और चौड़ाई में आपको इसको 4 फोल्ड करना है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरीके से आपको भी इसको 4 फोल्ड कर लेना है। जैसे कि हमारी लेंथ है 35, तो मैं इसमें 1.5 प्लस करूंगी क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर कमर में बेल्ट के लिए जाएगा। तो मैं इसकी टोटल लंबाई 36.5 इंच लूंगी। आपकी जितनी भी लंबाई है आप उस लंबाई में अपने में 1.5 प्लस करके और पूरा अपना लेंथ ले सकती हो। 1 इंच की हमारे ऊपर बेल्ट आ जाएगी तो आपकी लेंथ प्रॉपर बैठेगी। तो मैंने 36.5 पे इस तरीके से निशान लगाया है। पूरे कपड़े पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है और इसी निशान से मैं अपनी कटिंग करूंगी। तो देखिए, मैंने इन निशानों को लगा के इस तरीके से मिला लिया है। एक बात आपको ये रखना है कि जो बंद वाली साइड है आपको अपनी तरफ रखनी है और जो ओपन वाली साइड है वो आपको बाहर की तरफ रखनी है। तो बंद वाली साइड से आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए, मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया। अब आपको क्रॉच एरिया के लिए लगाना है। क्रॉच एरिया मैंने 11 इंच लिया है। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग क्रॉच एरिया ले सकते हो। मैंने 34 साइज का बना रही हूँ तो क्रॉच एरिया इसमें मेरा 11 आया। और इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है और इसमें क्रॉच एरिया का राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। इसके बाद आपको नीचे से गोलाई देनी है। तो नीचे से गोलाई के लिए आपको 4 इंच पे निशान लगाना होगा इस तरीके से, या आप अपने अकॉर्डिंग भी हल्की सी गोलाई दे सकते हो। तो देखिए, मैंने 4 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसमें गोलाई डाल दी है। अब इन्हीं निशानों से हम अपनी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद मैं अपनी प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। तो प्लेट्स के लिए आपको जिधर क्रॉच एरिया का निशान लगा था वहां से आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए 6 इंच पे निशान लगाना है। और लंबाई में आपको अपनी 5 इंच की प्लेट रखनी है। आप 5, 5.5 की प्लेट्स रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लंबाई में 5 इंच पे निशान लगा लिया है। चौड़ाई में मैं इस प्लेट को 2 इंच, तो देखिए मैंने जो प्लेट की चौड़ाई है वो 2 इंच के लिए 1 इंच इधर साइड निशान लगाया था, 1 इंच इधर। तो इस तरीके से मैंने निशानों को मिला लिया है। आपको फ्रंट में भी 2 प्लेट डालनी है और बैक में भी प्लेट डालनी है। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ मैं कट लगा रही हूँ जिससे हमारी प्लेट का निशान बन जाए। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इस पे कट लगा लिया है। आपको सेंटर भी, सेंटर के लिए इस तरह से कर सकते हो या आप निशान भी लगा सकते हो। तो देखिए, हमारे इस रैप प्लाजो की कटिंग हो गई। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग सबसे पहले हम अपने क्रॉच एरिया की करेंगे। जहाँ से हमने क्रॉच एरिया को कट किया था उसको आपको इस तरीके से ओपन करना है और इस पे 1 पैर की आपको सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कटिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या आपको कुछ और ड्रेस की नीड हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो ड्रेस बना के लेके आऊंगी। ये हमारा वायरल ट्रेंड में है तो मैंने इसके लिए आपकी वीडियो बनाई है। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, हमने अपने क्रॉच एरिया को बंद कर लिया है। इसके बाद मैं अपनी प्लेट्स बनाऊंगी। तो प्लेट्स के लिए जहाँ हमने निशान लगाया था उसी निशान से हमें इस तरीके से प्लेट डाल लेनी है। आपको फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों साइड आपको प्लेट डालनी है। इससे क्या होगा, जो हमारी प्लाजो वाली शेप होती है वो हमारी बन जाती है इस प्लेट से। तो देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट में प्लेट डाली है। इसी तरीके से मैं अपने बैक पार्ट में भी प्लेट डाल लूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी इस तरीके से प्लेट डाली है। अब जो हमारा साइड वाला हिस्सा है, जहाँ हमने किनारे वाली साइड से कटिंग की थी राउंड शेप में, उधर से आपको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड आपको कैसे करना है, या तो आप एक बार सिंगल फोल्ड कर लीजिए उसके बाद डबल फोल्ड कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से हल्के हाथों से आपको इस गोलाई को राउंड शेप देते हुए इस तरीके से एक पैर की आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। डबल फोल्ड करोगे तो उससे आपको और ज्यादा फिनिशिंग आएगी। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको डबल फोल्ड करके ही करना है, क्योंकि उसमें आपको अच्छा फिनिशिंग आएगी। अगर आप थोड़ा बहुत कर लेते हो तो उसलिए आपको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो। तो इसमें एक राउंड शेप आ गई है, मैंने इस तरीके से मैंने एक बार में ही डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड से इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से मैं इसको दूसरी साइड भी फोल्ड कर लूंगी। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप देख पा रहे हो हमारा रैप प्लाजो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसमें ऊपर अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ये पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने पूरी 6 इंच रखी है। आपके पास अगर इतनी लंबी पट्टी ना हो तो आप जॉइंट लगा सकते हो, जैसा कि मैंने लगा रखा है इसमें जॉइंट। आपको इस तरह की दो पट्टी चाहिए, एक आपको फ्रंट के लिए, एक आपको बैक के लिए। अब आपको करना क्या है, पट्टी का आपको बीच सेंटर निकालना है। तो उस बीच सेंटर को आपको प्लाजो के बीच मिड में रखना है और इस तरीके से अटैच कर लेना है। आपको प्लाजो को उल्टा रखना है और उसके ऊपर आपको पट्टी रखनी है। तो इस तरीके से हम अपने इस पे एक पैर की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने एक पैर की इस पे सिलाई लगा ली है। अब आपको एक इस पे फिनिशिंग देने के लिए इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पट्टी को बना लिया है। आप एक साइड से मैंने इसको बना लिया, इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी साइड भी पट्टी लगा लूंगी। तो ये हमारा रैप प्लाजो बन के रेडी हो गया है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।